पुलिस वाले, ए इधर देखो अंकल को, देखती रही हो पुलिस वाले अंकल जो उधर खड़ा ना, अगर आएगा ना बता दियो भगा लूंगा। ऐसे ना करो सर, टूरिस्ट हुआ चलान हो जाते हैं यहाँ, ऑटोमेटिक कैमरे लगे हुए देखो सारे, यहाँ भी स्टार्ट हो गए चलान होने। अरे हम एक टाइम तक का खाना खाने तक के पैसे बचाते थे। लो जी रेडी वेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, थोड़ा सा मैं अगर राइड पे जाते, पीछे पहाड़ है यार तो मन करता है। देखो अब दिखेंगे हल्के हल्के, दिखे ना तो थोड़ा ब्राइटनेस के चक्कर में नहीं दिखते, ऊपर नीचे करूँ थोड़े से दिखेंगे। तो सीन कुछ ऐसा है, वर्षा गई अगर रेडी होने के लिए, मैंने कहा जल्दी रेडी होके फटाफट से आ जा, हम लोग चल रहे हैं एक राइड पे, मज़ा आएगा राइड पे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो सारे के सारे, और दाढ़ी तुम्हारे भाई बड़ी हो रही है भाई, थोड़ा अच्छा लग रहा देखने में। अभी हम थोड़ा उम्र से वैसे आ जाती है, 21-22 साल के बंदों की भी आ जाती है, लेकिन अभी तक अपने नहीं आ रही है, तो पता नहीं कोई सीन है पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। ठीक है तो आ जाएगी जल्दी से जल्दी। ठीक है तो सीन अभी ऐसा है, हम जा रहे हैं राइड पे, और भाई कुछ बातें करनी है जो करने वाली है। कुछ लोग बहुत यार, मतलब हम लोग यार ऐसे थोड़ी है, बताऊंगा तुम्हें, गोप्रो लग जाएगा ना, बाइक पे चलते फिर बताता हूँ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई सारे के सारे। ठीक है सलो जी, क्या हाल है सबके भाई, और एक बात करनी थी भाई यार, ये तो ब्लॉग ही मेरा उसी टॉपिक पे, मेरा मन नहीं था भाई आज ब्लॉग करने का ना, पर भाई ये तो बनता है करना यार। यार तुम सब एक चीज़ तुम्हें पता है, ठीक है भाई, हम जो भाई पहले से जानते हैं ना हम लोगों को यार, जो पहले से हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, जो पर्सनली हमें पहले से जानते हैं, तो भाई बंदे ना अब का जज कर रहे हैं यार, अब का भाई ये मतलब, और वो कोई और बंदे नहीं है, वो अपने ही बंदे हैं जो भाई जज करते हैं यार, मतलब जेलसी फील हो रही है यार इतनी बंदों को ना यार, क्या ही बताओ यार। मतलब हम ऐसे हुआ करते थे कि यार हम जैसे इवेंट्स पे जाते थे कहीं पे, हमें क्लाइंट लेके जाता था भेजते थे, हम एक टाइम तक का खाना खाने तक के पैसे बचाते थे कि हाँ भाई एक टाइम के हम खाने के पैसे बचा लेंगे तो हमारे लिए बढ़िया होगा, कि हाँ भाई वो पैसे हमारे बच जाएंगे जुड़ जाएंगे। जो भी हमको भाई दिहाड़ी मिलती थी एक दिन की, वैसे तो 500 मिलती थी भाई, है ना, पहले की बात है, 2-3 साल पुरानी बात है। ठीक है तो भाई तो मतलब इतना होता था यार कि मतलब ना ऐसे पैसे बचा लेते थे बिस्किट वगैरह खा के, और कभी कभार ऐसे होता था जैसे इवेंट पे है भाई, खाना है वहाँ पे ना, मतलब क्लाइंट्स के लिए खाना होता, तो हम चोरी छुपे ना भाई वो खाना भी खा लेते थे, कि चल यार खाना तो है ही खाने के लिए, कोई वो क्या बोलेगा, चुपचाप हम भाई वेटरों से सेटिंग वगैरह, तो तुम्हारा भाई पहले मैं सेटिंग तो हर बंदे से कर लेता हूँ, पर लेकिन वेटरों से सेटिंग करके हम लोग खाना खा लेते थे भाई। तो यार इनकी हेल्प करनी चाहिए, हेल्प तो करनी चाहिए, लेकिन अपने पास भी तेल नहीं है यार ये देखो बिल्कुल भी। ठीक है लेकिन भाई कुछ लोग भाई ये सोचते हैं कि भाई मैं अपने घर से पैसे लेके, हैं मैं अपने घर वालों के पैसे उड़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, है ना, मैं ले रहा हूँ पैसे इधर से उधर से। ठीक है तो भाई वो मैं घर से नहीं लेता हूँ पैसे, ठीक है, जेलसी फील हो रही है लोगों की भाई, ये लोग इतना ग्रो कर रहे हैं, डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं भाई, ये कभी कुछ ले रहे हैं, 2-2 लाख की चैनें खरीद रहे हैं भाई गोल्ड की ना, तो इस चीज़ों से लोगों को भाई कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। जो लोग भाई जज करते थे पहले कि यार इनके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी अभी पेट्रोल डलाते उसके बाद आगे की बात करते हैं, तो बने रहना भाई व्लॉग में। अंकल खड़े हैं, ये वैसे वो पुलिस वाले, ए इधर देखो अंकल को, देखती रही हो पुलिस वाले अंकल जो उधर खड़े ना, अगर आएगा ना बता दियो भगा लूँगा। अपने पास लाइसेंस नहीं है ना वो तो लर्निंग है ना, लर्निंग पे एक तो एल नहीं लिखा बाइक पे, और दूसरी बात है ओ भाई देख लेना, तो भाई लोग भाई जेलसी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वाली। और जब से मैंने बाइक ली है भाई BMW, क्योंकि भाई मैं यार इतनी वो नहीं है भाई, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो लोग ना मतलब मेरे जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे भी किसी के पास नहीं है भाई BMW, जहाँ पे अब रहता हूँ वहाँ पे भी किसी के पास नहीं है भाई ये, ठीक है, और भाई जो रिलेटिव में है भाई उनके पास भी किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं जेलसी फील तो यार होने बनती है, लेकिन अपन नहीं चलते भाई ये चीज़ों से ना। अभी तिवारी भाई गाड़ी ले रहा भाई टाटा पंच, तो भाई मैं सोच रहा हूँ जब अपने पास गाड़ी आ जाएगी
तो भाई साहब और भी जेलसी फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई तो मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, जिस दिन गाड़ी आएगी बस वेट करो। मैंने पिछले व्लॉगों में मैंने बताया था एक चीज़ आने वाली है अपनी गाड़ी, तो भाई साहब मज़ा आने वाला है, गाड़ी आ जाएगी फिर तो मैं गाड़ी में भी घुमाएंगे भाई। और भाई सामने देखो पहाड़ आने वाले हैं बस। और अभी हम एक जगह रुक के भाई पहले मैगी खाएंगे, फिर देखेंगे प्लान क्या है आगे कहाँ तक जाना है, क्योंकि 3-4 दिन से भाई राइड नहीं करी थी, तो राइड ना करो ना पैर से कांपते थे कि राइड क्यों नहीं करी। हवा के झोंके आज मौसम से रूठ गए यार, मैं ना तेज इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि पीछे इसके पास हेलमेट नहीं है, तो यार थोड़ा सा देख के चलाना पड़ता ना, थोड़ा सा देख के चलाना पड़ता है भाई, देख के अपना चल जाता है। ऐसे गाय माए भाई सांड वगैरह और ये बंदो जैसे बंदे बीच में आगे एकदम से, तो ऐसे आ जाते लोग बाग। बस हम हिमाचल में एंट्री कर गए गाइस, हिमाचल में एंट्री। हिमाचल में हम कभी भी एंट्री कर देते हैं मुँह चक के जब हमारा दिल करता है ना भाई। ट्रांसपोर्ट है क्या यहाँ पे, जो ट्रक खड़े इतने सारे सवाल हो था। और आगे क्या सीन हो गया, आगे क्या सीन हो गया? अच्छा गाय वगैरह है तभी लगा कोई सीन हो गया आगे, तो भाई रोक के निकाल रहे, बढ़िया भाई बंदे ऐसे ही निकालनी चाहिए भाई, किसी को लगे ना बस बढ़िया तरीके से। तो भाई आज का जो ब्लॉग है ना हमारा इसी पे है कि मतलब भाई लोग ना जेलसी फील कर रहे हैं यार, मतलब अपने ही बंदे हैं ठीक है। तो मैं तो भाई यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे जेलसी फील नहीं करनी है हमने, राइडर बंदा खड़ा था भाई, ऐसे हमने जेलसी फील नहीं करनी है, हमें वो रहना है एकदम कि भाई मैंने पुनीत कुमार सुपरस्टार पुनीत कुमार की एक रील देखी थी वगैरह, कभी किसी से जलन सड़न नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि भगवान दे रहा है वो अपने खजाने में से दे रहा है, वो तुमसे छीन के नहीं दे रहा भाई, कितनी बड़ी बात बोली थी बंदे ने। तो भाई मैं तो फैन हो गया उस बंदे का। बाकी सामने हिमाचल है गाइस, देखो हिमाचल की एंट्री है सामने। ओ भाई भाई बाकी चेक करो पब्लिक यहाँ पे रुकी हुई है, ये ट्रक वाला उतरेगा अभी यहाँ से दारू लेगा, फिर साला किसी ना किसी को ठोकेगा। यार अभी मैं लीन कर रहा था ना, मेरे पैर नीचे टच हो गए थे, तो तुम्हारे भाई का पैर ही 11 नंबर का है इसे जाए मेरा थोड़ा सा। और भाई ट्रैफिक किस बात का मिल गया यहाँ पे, ओ यार एक कम तक चंगा नहीं होया। इधरों जाओ इतों, सारी दुनिया क्या हाल है जी भाई, गाड़ी चेक करो बस इतना सा साथ है। सर रास्ता खुला हुआ है जी, फिर ठीक है जी, नीचे को जाए, अरे बना दिया हमने, सर उधर खड़ा होना था वहाँ जाना हमने वापस जाना है इधर से टर्न करो, हमने ना वहाँ पे फोटो खींचनी है एक दो, वो तो यहाँ जनाब पार्किंग खड़ी है। अरे 2 मिनट के लिए सर, चंडीगढ़ से आए जी फोटो खींचने, ऐसे ना करो सर, टूरिस्ट प्लान हो जाते हैं ऑटोमेटिक कैमरे लगे हुए देखो सारे, यहाँ भी स्टार्ट हो गए चलान उन्होंने। अच्छा जी हम जा रहे हैं फिर यहाँ से, चलान हो जाएगा अंकल कह रहा भाई, इसमें चलान होने लिए मैं कहा अंकल वहाँ लगा ले उधर, हम फोटो वोटो खींचनी है एक दो, कहता नहीं पार्किंग थोड़ी है भाई 2 मिनट के लिए यार, साइड में रोक भी नहीं सकते यार, ये बड़ा एक्सप्रेस वे है। तो भाई मैंने यहाँ पे ना बर्नआउट मार दी है, 3-4 बर्नआउट मार दी, बंदे देख रहे क्या है, और उसको मैंने बोला रिकॉर्ड कर दे, इसने क्या किया कह रही रिकॉर्ड हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और भाई उन्हें प्ले ही नहीं करा, मैं कहा ठीक है टायर भी खींच गया रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, रील बना दी लेकिन रेत में बर्नआउट मार दिया, देखो रेत में मिट्टी मिट्टी कर दी पीछे पूरी। ए मैगी कहाँ मिलेगी,
ये उधर ही किधर ये रो क्यों रही है? रो क्यों रही है तू? ए ट्रक के नीचे ना आ जाओ मैगी के, ए रहने दे पागल, ए पागल हरकतें ना करे। मैगी के चक्कर में ना पागल हरकतें कर रही है, ट्रक के नीचे आएगी है मैगी के चक्कर में। ए तू ट्रक के नीचे तो नहीं आने का प्लान कर रही? कहीं मेरे नाम रख दे तू। ये होती है पहाड़ों में बहुत मैगी होती है, पहाड़ों में मैगी। चलो चलते हैं यहाँ से आगे। हिमाचल राइड हमारी हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं घर यहाँ से। और अभी का ना सीन कुछ ऐसा है, अभी हमें जीरकपुर आना था, थोड़ा सा काम था, वो काम हो गया है। और भाई मैं तुम्हें कुछ कह रहा था ना कि जैसे अपना मैंने राइड अपना जब स्टार्ट करी थी तो मैंने एक चीज़ बताई थी भाई, कुछ लोग जेलस फील कर रहे हैं। तो भाई उनका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है यार, तुम बस अपना काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो जो तुम कर रहे हो, बस कोई टेंशन ही नहीं है तुम्हें, किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, तुम करते रहो बस। जिसने भाई जेलस फील करनी है वो तो करेगा ही। ये कौन सा है, दो सिलेंसर डोमिनार है क्या? इसने रेस दी ना मेरे से, पता कितने आगे निकलेगा ये, पावर है भाई। लेकिन इनका रिएक्शन अच्छा नहीं है यार डोमिनार का, इसका रिएक्शन बहुत वो मतलब इतना नहीं है जितना अपना है ना भाई, पब्लिक रिएक्शन जितना अपना है ना उतना नहीं है इसका, अपना पब्लिक रिएक्शन बहुत तगड़ा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही तगड़ा है अपना पब्लिक रिएक्शन।